हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बीएस इंग्लिश प्रोग्राम के कोर्सेज की लिस्ट, यानी कि सब्जेक्ट की लिस्ट। ये प्रोग्राम 4 इयर्स का है और इसके अंदर 8 सेमेस्टर होते हैं। आपके सामने पहले सेमेस्टर के कोर्सेज की लिस्ट मौजूद है। इसके अंदर जो पहला कोर्स है वो है ENG 101 का, यानी कि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का। उसके बाद दूसरा जो कोर्स है वो है ENG 501, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद है ENG 502, इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स। और उसके बाद है PSY 101, यानी कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का बेसिक कोर्स है। देन दी SOC 101, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का बेसिक कोर्स। देन दी PAK 301, पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ बैचलर लेवल तक कंपलसरी होता है, इसी वजह से BS प्रोग्राम्स के अंदर पाकिस्तान स्टडीज़ को पढ़ाया जाता है। देन दी VU 001, इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग, यानी कि इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ये कोर्स VU वालों का अपना बनाया हुआ है, क्योंकि VU के अंदर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होती है, फिजिकल क्लासेस नहीं होती, तो स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के बारे में भी पता होना चाहिए, सीखने को मिलेगा इस कोर्स के अंदर। देन दी सेमेस्टर नंबर 2, इसके अंदर पहला कोर्स है EDU 403, आर्ट्स, आर्ट, क्राफ्ट एंड कैलीग्राफी। देन दी ENG 201, बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग। देन दी ENG 503, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। देन दी ENG 506, वर्ल्ड इंग्लिशेस। देन दी PSY 406, एजुकेशनल साइकोलॉजी। देन दी ETH 202, ये जो कोर्स है ये एथिक्स का कोर्स है और ये नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए है। ये ऑप्शनल है, क्योंकि जो मुस्लिम स्टूडेंट्स होंगे वो ISL 202 लेंगे, यानी कि इस्लामिक स्टडीज़। देन दी सेमेस्टर नंबर 3, CS 101, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। ये बेसिक कोर्स है कंप्यूटिंग का, यानी कि कंप्यूटर साइंस वालों का। और इसको पढ़ाने का मकसद शायद यही है कि स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज हो। देन दी EDU 406, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। देन दी EDU 410, टीचिंग ऑफ लिटरेसी स्किल्स। देन दी ENG 301, बिजनेस कम्युनिकेशन। ये जो कोर्स है ये कम्युनिकेशन के बारे में है, रिटन एंड दी ऑरल बोथ कम्युनिकेशंस आर इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। देन दी ENG 504, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। देन दी MGT 502, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नाउ दी सेमेस्टर नंबर 4, इसके अंदर पहला कोर्स है EDU 401, कंटेम्प्रेरी इशूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन। देन दी EDU 516, टीचिंग ऑफ इंग्लिश। देन दी ENG 505, लैंग्वेज लर्निंग थ्योरीज। देन दी ENG 522, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। एक कोर्स आया था पीछे इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स, और ये कोर्स है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का, वो बेसिक्स का कोर्स है और ये अप्लाइड है। नाउ दी EDU 101, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। देन दी EDU 505, एजुकेशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। देन दी MGT 501, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन दी SOC 401, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ये कोर्स सोशियोलॉजी से रिलेटेड ही है। नाउ दी सेमेस्टर नंबर 5, ENG 507, फोनेटिक्स एंड दी फोनोलॉजी। देन दी ENG 508, सीमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। देन दी ENG 514, टीचिंग ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। देन दी ENG 515, टीचिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। देन दी ENG 518, रिसर्च मेथडोलॉजी इन ELT। देन दी ENG 523, डिस्कोर्स एनालिसिस। नाउ दी सेमेस्टर नंबर 6, इसमें पहला कोर्स है EDU 305, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट। देन दी EDU 501, स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर। देन दी ENG 509, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटेक्स। देन दी ENG 511, साइकोलिंग्विस्टिक्स। देन दी ENG 516, टीचिंग बिजनेस कम्युनिकेशन। अच्छा, बिजनेस कम्युनिकेशन भी शामिल है इसके अंदर और टीचिंग बिजनेस कम्युनिकेशन भी। देन दी MCM 310, यानी कि जर्नलिस्टिक राइटिंग। नाउ दी सेमेस्टर नंबर 7, इसके अंदर पहला कोर्स है ENG 510 का, यानी कि सोशल लिंग्विस्टिक्स। देन दी ENG 512, यानी कि बाईलिंगुअलिज्म। देन दी ENG 513, लैंग्वेज टीचिंग मेथड। देन दी ENG 517, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। देन दी ENG 525, ये जो है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 1 है, इसके अंदर प्रोजेक्ट भी शामिल है। और प्रोजेक्ट का मकसद ये होता है कि प्रैक्टिकली एक्सपोजर भी मिले स्टूडेंट्स को, जो कुछ उन्होंने सीखा है, लर्न किया है थ्योरीज के अंदर, कोर्सेज के अंदर, वो उसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करना सीखें। नाउ दी सेमेस्टर नंबर 8, इसके अंदर है ENG 519, करिकुलम डिज़ाइन। देन दी ENG 520, टेस्टिंग एंड असेसमेंट। देन दी ENG 521, लैंग्वेज क्लासरूम मैनेजमेंट। देन दी ENG 524, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। देन दी ENG 526, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 2। ये दूसरा हिस्सा है, ये प्रोजेक्ट 2 है और 7 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट 1 था। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के BS इंग्लिश प्रोग्राम के कोर्सेज के बारे में बताया। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।